इला पन्ना में ग्राम एक ललार है, बड़ो बेकट चमत्कार है। तीन तरफ से नदियां कड़ गई, पीछे से देखो पहाड़ी अड़ गई। ऐसी मुसीबत हम कहाँ पड़ गई, लघु देखो सगुना को हार है, बड़ो बेकट चमत्कार है। नाव में जिंदगी, जी हाँ, आज हम निकले हैं एक ऐसे गांव में जो आज के समय में, आज के दौर में विकास से काफ़ी दूर है। यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं ये तो आप हालात देखकर आप समझ गए होंगे। नाव में आज हम पहुँच रहे हैं ललार गांव में। ललार गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं और साथ ही नाव चालक भी हैं। हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, कितने समय से ये लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारें और प्रशासन आखिर इस तरफ गौर क्यों नहीं कर रही है, आइए बात करते हैं। दादा क्या नाम? ज्ञान सिंह। नाव में हैं आज हम? नाव में। और आप लोग कब से हैं? अब हम तो ऐसा होगा 50 साल से हैं, नाव में चल रहे। 50 साल से नाव में चल रहे। बच्चे सब अब कहा है जी, नहीं अब घर पे हैं, वो आने जाने हैं, जो परेशानी है जी है, दवाई करा के डॉक्टर बमीठा से लोटी। हाँ। बमीठा दवाई करा भी जाओ, नहीं तो मर जाओ घर का है। हाँ। वो है तो कर विभाग को भी है ही नहीं है, डॉक्टर आ नहीं रहे, कोई दवाई कर विभाग है नहीं है। हाँ। नाव से पार करके जाओ। अच्छा। कौन सी नदी है ये? क्यान। क्यान नदी पार करने पड़ता है। अच्छा, तो गाँव में कभी 108 हो, 100 नंबर हो, कैसे पहुँचती होगी? उतरे नहीं पहुंच रही, मई से आ रही मरला से घाट तक आते तक। दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से, ये छतरपुर जिले का घाट है जो नाव के सहारे से लोग ललार गांव पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि ललार गांव जाने के लिए नाव का यहाँ के लोग सहारा लेते हैं। काफ़ी सालों से यहाँ के लोग नाव के सहारे से एक गांव से दूसरे तरफ पहुँचते हैं, जबकि पन्ना जिला और पन्ना जिला प्रशासन इस ओर गौर नहीं करती, यहाँ के लोगों के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और सरकारें दावा करती है कि विकास को लेकर हर गांव को शहरों से जोड़ा जाएगा, हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, हर गांव में सुविधा पहुंचाया जाएगा। यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, यहाँ के बच्चे कैसे, इनका भविष्य बन रहा होगा, ये तो नाव में बैठकर ही समझा जा सकता है, विकास को समझा जा सकता है कि यहाँ का विकास की पहिया किस रफ्तार से दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है विकास की पहिया दादा? नाव से। नाव से जी। ऐसे ही कब से दौड़ रहा है ऐसा? ऐसे आज 2-3 पैरी से दौड़ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को ले जाते हो आप? कम से कम 50 है, कम 100 है। हाँ। इतने लोग उतारते हैं डेली। मतलब आपका गुजारा भी इसी से चलता है? जी। अच्छा, कितने नाव ऐसे और चलते होंगे यहाँ पर? बस एक भर नाव है। अच्छा, एक ही नाव? एक नाव के सहारे पूरा गांव है। और ऐसे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 गांव के लोग एक नाव के सहारे जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, सवाल उठता है और ये सवाल करना भी लाजमी है, आखिर इस और जिम्मेदार क्यों नहीं गौर कर रहे हैं पन्ना जिला प्रशासन, छतरपुर जिला प्रशासन आखिर इस तरफ गौर क्यों नहीं कर रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जबकि जनप्रतिनिधि चुनाव में ज़रूर पहुंचते होंगे। दादा चुनाव के समय तो नेता आते ही होंगे? खीब 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 आओ, नेता ही नेता आओ तो कह जात कि तुम्हारा रिप्टा बन जे है, जो पुल बन जे है वो आज लो फिर बन गए, सुको नहीं आओ। अच्छा, बन जा सुको नहीं आओ। अच्छा, कहाँ के नेता छतरपुर के आते हैं? पन्ना जिला है हमारा, तो पन्ना जिला है, पन्ना के आओ थे। अच्छा, तो फिर आपको गुजारा और काम धाम कहाँ से चल रहे? आप पन्ना ही से चले? नहीं तो, और अब जैसे अब कछु भी मुसीबत पड़ गई तो छतरपुर जाने आओ। सुविधा आपको छतरपुर पड़ता है कि पन्ना? छतरपुर सुविधा है हमें। अच्छा, बस नदी पार करी छतरपुर पहुँच गए, जंगल विभाग बारी हमें करण नहीं दे, माँ पन्ना जिला हो बंद करें। अच्छा, मतलब आपका गांव पन्ना में है और पन्ना आप लोग शहर जा नहीं पाते? नहीं जी सर, माँ होनी हमको करे यहाँ मिला, जाना ही नहीं दे, बंद करें। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व का ये क्षेत्र और यहाँ के लोग ये बता रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है ये गांव और बताया जा रहा है
पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा जो पन्ना जाने के लिए मुख्य मार्ग है, इन गांवों को पन्ना जाने के लिए, शहर जाने के लिए, वो बंद है। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएं? तो नाव का सहारा लेकर छतरपुर पहुँचते हैं, बमीठा पहुँचते हैं, चंद्रनगर पहुँचते हैं और अपने राशन लेने के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तमाम सुविधाओं के लिए जाते हैं। और अंदाज़ा लगाइए, बारिश का मौसम है, बारिश हो नहीं पा रहा है, तो नदी का जो है जलस्तर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। ऐसे में कई सालों से यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे और जब यहाँ पे बाढ़ आती होगी तो यहाँ के लोग कैसे जीवन जीते होंगे? दादा, बाढ़ की स्थिति में क्या होता है? बहुत परेशानी बनती है जी, नाव नहीं डरती है, ज्यादा बाढ़ आ जाती है। तो गांव के लोग कहाँ जाते हैं? बस घर ही में रहते हैं, छिके रहते हैं। खाते क्या है, कैसे रहते हैं? अब जो कुछ घर में होगी वही खे है, नहीं तो भूखन मारो। अच्छा, मजदूरी काम है नहीं है। अच्छा, मजदूरी अधूरी कुछ है नहीं है, बस का काम है, बस वो ये पड़े रहो घर, जो कुछ उधरो नांद गल्ला होगा तो जी के सुखा लाओ, नहीं तो मरो भूखा न जाओ बमीठा ले अभी। हाँ। छतरपुर है, हमें तो छतरपुर जिबा रहा हूँ। अच्छा, ललार गांव की आबादी कितनी होगी? आबादी कितने हुए? 1000। 1000 आबादी वाला गांव, और चार गांव बता रहे हैं नाव, जो नाव चालक हैं और दादा हमारे साथ बैठे हैं, बता रहे हैं 1000 लोग जो है ललार गांव में है, और जबकि चार गांव, और चार गांव की ज़िंदगी एक नाव में कई सालों से चल रही है। गांव पहुंचते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और विकास को खंगालने की भी कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको। जुड़े रहिए मेरे साथ।